भटनागर जी, मैं अमर उजाला परिवार की तरफ से श्री रणदीप वशिष्ठ जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए। वे स्मृति के अध्यक्ष भारत भूषण जी, श्री भारत भूषण जी, मैं नरेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा। चांसलर प्रोफेसर जेपी शर्मा जी भी हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं। मैं श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह आए हमारे उजाला परिवार की तरफ से ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। पिछले दो वर्ष से कोरोना की वजह से ये आयोजन नहीं हो पाया था और दो वर्ष के बाद बहुत हर्ष का विषय है कि हमें इस आयोजन पुनः आयोजन के हमें हम कर पा रहे हैं और ये अमर उजाला के का अमृत महोत्सव भी है। इतना बड़ा थोड़ी है कोई सर। थैंक यू बच्चों। टीम के हैं जो मेधावी छात्र सम्मान जिनको प्राप्त हुआ है। मुख्य अतिथि महोदय, ये सभी कक्षा 12वीं के कॉमर्स, आर्ट्स और होम साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं जिन्होंने मेधावी छात्र सम्मान के हकदार बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अब मैं ये मेधावी छात्र है जो कक्षा 10वीं जम्मू कश्मीर बोर्ड से हमारे सम्मान हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। कक्षा 10 के मेधावी छात्र देखिए, हमारे सभी मेधावी छात्र, हमारे कुछ मेधावी छात्र जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है वे तैयारी आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होगी या किसी अन्य सिलसिले में अभी जम्मू में उपस्थित नहीं है, उनके अभिभावक गण यहाँ पर उपस्थित हैं। बच्चों की अनुपस्थिति में अभिभावकों ने ही उनकी तरफ से मेडल और प्रशस्ति पत्र ग्रहण किया है। अध्यापकों के बाद अभिभावक ही वे फोर्स होते हैं, वे ताकत होते हैं जो बच्चों को ये मकाम हासिल करने के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इन मेडल और प्रशस्ति पत्र के पीछे अभिभावकों की भी उतनी ही मेहनत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। श्रीमान, जिस तरह प्रथम मैं हमारे मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे कोलैबोरेटर्स के रिप्रेजेंटेटिव को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। सर्वप्रथम श्री राजेश डोगरा जी जो मेगा पावर सर्विसेज की तरफ से हैं, ये ट्रांसपोर्ट कोलैबोरेटर है जो श्री साहिब जी
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जे पी शर्मा साहब, श्री आलोक कुमार जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, और उजाला परिवार के सभी साथी, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक, मेरा भी छात्र देवी और सज्जन और मित्रों, मुझे लगता है कि आज जो विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे समय में आप स्कूल और कॉलेज में हैं जबकि न सिर्फ पूरे एजुकेशन सिस्टम में बुनियादी बदलाव हो रहा है बल्कि भारत बड़ी तेजी से विश्व की एक बड़ी उभरती हुई किया जाना है। अब आपके मन में क्या विचार है, क्या कोई प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हुआ? जो वाई शब्द है, क्या आपने कभी सोचा कि क्यों मुझे बुलाया गया है, ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है? मैं समझ सकता हूँ या देख सकता हूँ कि बहुत से विद्यार्थी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, पर मुझे लगता है कि ये जो वही शब्द है एक विद्यार्थी के जीवन में उतना ही जरूरी है जितना कि हमें जीवित रहने के लिए सांस लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन पिछले कई दशकों से आप कर सकते हैं, काफी हद तक ये वही शब्द उसमें से गायब हो गया और क्लासरूम में ज्यादा कदाही शब्द सुनाई पड़ता है, और गलती से कोई विद्यार्थी वही या हाउस शब्द का प्रयोग करता था तो पूरा प्रकाश उसे घूम घूम के देखता था कि उसने कोई बड़ी भारी गलती कर दी। अमेरिका के प्रोफेसर जॉन कोहेन ने कई वर्षों पहले एक शोध किया, रिसर्च किया, और उसका नतीजा ये था कि एक 5 साल का बच्चा हर रोज लगभग 300 सवाल पूछता है और 15 साल का बच्चा हर रोज 3 सवाल पूछता है। उन्होंने लगभग 35,000 विद्यार्थियों का एक सर्वे किया। अब ये कौन सा पढ़ाई का तरीका है जिसमें 10 साल के अंतराल के बाद ये 297 सवाल गायब हो जाए, ये हाउ और वाई कहाँ चले जाती हैं? और प्रोफेसर कोहेन के रिसर्च और सर्वे का निष्कर्ष था कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वो सिलेबस में इस तरह उलझता गया, जकड़ता गया, सोचने की पूरी दुनिया उसकी करिकुलम के भी रह गई और धीरे धीरे उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, वो समाप्त होती चली गई। 300 सवाल से घटकर 3 सवाल आना किसी मायने में प्रगति नहीं की कही जा सकती, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप भाग्यशाली, इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी ए स्टूडेंट, क्योंकि कई दशक बाद हमारे देश में वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के कारण एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी उपहार में मिली है आपकी जनरेशन को, जो सिलेबस से अलग हटकर एक विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा क्यूरियोसिटी जागृत करती है। बच्चों, इसलिए मैं मानता हूं कि किसी भी विद्यार्थी के पास अगर कोई सबसे बड़ा पावर है, शक्ति है, तो वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, और विद्यार्थी की एकमात्र आइडेंटिटी वो क्यूरियोसिटी
और यही क्रिटिकल थिंकिंग और क्यूरियोसिटी देश के भविष्य देश के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकती है। जम्मू कश्मीर